नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक भयानक खतरनाक मेला वशीकरण। मेला वशीकरण का अर्थ है कि तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन वशीकरण इतना खतरनाक है कि एक बार जिस पर यह वशीकरण चल गया वो आदमी आपके सामने हिल गया, बच नहीं सकता आपसे। जिसको वश में करना हो तुरंत वश में होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेली चीज है, ये तामसिक साधना है, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पता चल जाए कि गांव में कोई आदमी मर गया है, गांव में कोई आदमी मर गया है। क्यों क्यों करते क्यों हम वशीकरण क्यों करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर है, कोई अफसर है जिसके साथ हमारे काम अटक गए, बन नहीं रहे, वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। साला इतना पैसा मांगता है, काम करता ही नहीं, तो पैसा कहाँ से दे गरीब आदमी? तो क्या होगा कि यदि ये विद्या आप जानते हो तो एक बार इस चीज को चला दोगे, इस तंत्र को चला दोगे तो तुरंत वो आपका गुलाम बन जाएगा। जो बोलोगे वो करेगा। आप बोलोगे कपड़े उतार या ऑफिस में, तुरंत कपड़े उतार देगा। किसी को, किसी लड़के से प्रेम है या लड़की से प्रेम है, उसकी शादी के अंदर बाधा आ रही, परेशानी आ रही, वो लड़का या लड़की सिर्फ टाइम पास तो कर रहा है लेकिन विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इसका प्रयोग करके अपना काम निकाल सकते हो। बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारी दुनिया में जहाँ हमारे काम कई बार ऐसे ऐसे लोगों के सामने अटक जाते हैं जिनसे हम चाह कर भी करवा नहीं सकते। वो अनुनय विनय भी नहीं मानते, इतने बेकार आदमी होते हैं। तो वहाँ क्या है, तंत्र किसी भी चीज़ के लिए आपको मना नहीं करता। वो कहता है यस वेलकम, ये यस होटल है, या कोई भी आ जाओ चलेगा। किसी भी सवाल का उत्तर तंत्र में है, किसी भी समस्या का समाधान तंत्र में है। तो तंत्र आपको एक मेली वशीकरण विद्या सिखाता है जो एक चुटके में किसी को भी गुलाम बना सकता है, किसी को भी आपकी बात मनवाने पर मजबूर कर सकता है। गांव में कोई मर गया हो, आपको पता चल जाए गाँव में, शहर में कहीं कोई मर गया हो और अब इसकी चिता जलाने के लिए इतने बजे के आसपास इसको ले जाएंगे, उससे पहले आप चावल की खिचड़ी बना लो और मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लो। मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लिया, चावल की खिचड़ी बना ली। चावल की खिचड़ी बना करके आप क्या करो, उनके शमशान में पहुंचने से पहले पहले कि भाई इसकी चिता कहाँ जलाई जाएगी, अंदाजन रहेगा कि यहाँ लगभग चिता इसकी जलती है, तो उस चिता के, जहाँ चिता जलेगी उसके पहले पास में पहले ये हांडी रख दो। ये हांडी आपने रख दी पहले, अब क्या होगा, उसकी चिता जलेगी, चिता जलेगी, लोग आएंगे, वापस चले जाएंगे, अब सब चले गए, अब आप अपनी हांडी उठाओ। हांडी उठा करके उस हांडी को अपने साथ लेकर के जाओ और पहले जो शमशान से निकलते हो, शमशान से निकलने के बाद में जो पहला आपको नीम का पेड़ दिखाई दे, उस नीम के पेड़ पर वो हांडी दे करके ऐसे जोर से मार दो, जोर से देकर के हांडी मार दो। अब क्या होगा, दो बातें होगी। हांडी देकर के मार दोगे और भी आपके पास बर्तन होने चाहिए दो अलग, या कोई पॉलिथीन होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। हांडी जो है ना, वो आपने नीम के पेड़ के देके मार दी। नीम का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा चूज कर ले पहले, उसी पेड़ पर मारनी है। तो उस पेड़ पर वो नीम के पेड़ पर हांडी मारोगे तो हांडी के अंदर जो खिचड़ी है वो खिचड़ी जाकर के उस पेड़ से चिपक जाएगी, लेकिन सारी नहीं चिपकेगी, आधी खिचड़ी पेड़ से चिपक जाएगी, आधी खिचड़ी नीचे भी गिर जाएगी, इस प्रकार से होगा। लेकिन आपको अब क्या करना है, नीचे जो खिचड़ी गिर गई है, जो चावल गिर गए, उनको अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेना है, अलग पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेना है, और जो पेड़ से चिपके हुए रह गए उनको अलग पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेना है। पेड़ से चिपके वालों को पहले उतार लेना, क्योंकि चिपके हुए कितनी देर तक चिपके रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो पूरे गिर भी सकते हैं। तो जो पेड़ से चिपक गए उनको फटाफट उतार करके एक अलग पॉलीथीन में रख लो, और जो नीचे गिर गए उनको उतार करके अलग पॉलीथीन में रख लो। बस आपका काम हो गया, इनको सुखा लो, सुखा करके इनमें से चावल निकाल करके अलग अलग अपने पास रख लो कि ये पेड़ से चिपके हुए हैं, ये पेड़ से उतरे हुए हैं, बस हो गया आपका काम। अब क्या है, कोई ऑफिसर है आपकी बात नहीं मान रहा है, या कोई घर में परिवार में कोई सदस्य है जो बिना मतलब की कलह कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, या पत्नी आपकी बात नहीं मान रही, बार बार पीट जाने की धमकी दे रही है, या पति आपकी बात नहीं मान रहा है, बार बार आपके साथ पिटाई करता है, मारपीट करता है, बुरा सलूक करता है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं और एक उचित तरीके से, एक राइट व्यू से मनवाना जरूरी है, तब ये काम करना।
कि भाई हम एकदम सात्विक रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं, लेकिन सामने वाला गलत रास्ते पर हमारी बात नहीं मान रहा है, तो क्या करें? तो उस पीरियड उस परिस्थिति में आप ये काम करना, जो चावल नीम के पेड़ से चिपके थे उन चावलों में से दो तीन चावल लेकर के वो भाई जहां कहीं भी जा रहा हो पीछे से जाकर के चुपके से उसकी पीठ पर डाल दो। पता ही नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा, पीठ पर डाल दो गलगा से क्या पता चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही आप पीठ पर चावल डालोगे वैसे उस पर वशीकरण चढ़ जाएगा, मेला काला मसानी वशीकरण उस पर चढ़ जाएगा, और जो वशीकरण चढ़ेगा उसके बाद में वो आपके सामने कठपुतली बनेगा, फिर अपनी उंगलियों पर जैसे नचाओगे नाचेगा। लेकिन एक खास बात ये भी है कि आपका अगर काम हो जाए सही तरीके से, आप काम कर रहे हो, उचित काम है आपका, अच्छा काम है, समाज उपयोगी काम है, कोई उसमें बुराई नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, और वो काम आपका हो जाए, तो हो जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में वो जो चावल नीचे गिर गए थे ना, वो जो चावल नीचे गिर गए थे उन चावलों में से दो या तीन चावल बारीक पीस के बिल्कुल किसी चीज में मिला करके, चाय में मिलाओ या मिठाई में मिलाओ, किसी में मिला करके उसको या तो खिला दो या पिला दो, उसके पेट में पहुंचा दो किसी भी तरीके से। तो जैसे ही पेट में पहुंच गया फिर लैट्रिन पेशाब करेगा तो तुरंत खा तो लेगा ही, आपको बस बस में आप बोलोगे जहर खा ले तो जहर खा लेगा, हाँ ये चावल क्या बड़ी चीज़ है, वो तो ऐसे ही खा लेगा चावल आप दोगे तो। लेकिन ऐसे करना नहीं है, पीस के बारीक, उसको पता नहीं चलना चाहिए क्या है, तो बारीक पीस करके किसी मिठाई में या चाय में मिला करके उसको खिला दो। वो जैसे ही लैट्रिन या पेशाब करेगा तो लैट्रिन पेशाब के साथ ही उस पर जो अमल आपने जो तंत्र आपने किया है वो तंत्र तुरंत उसका बह जाएगा और वो आदमी वशीकरण मुक्त हो जाएगा। फिर वो अपनी दुनिया में जिए, आप अपनी दुनिया में जिए, फिर वो आपकी तरफ मुँह उठा के भी नहीं देखेगा, जैसा पहले था वैसा ही अब हो जाएगा। लेकिन अगर ये करना हो आपको तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी वशीकरण में अधिक देर तक बांध कर रखना यह शास्त्रीय मर्यादा के खिलाफ है, देव मर्यादा के खिलाफ है, अध्यात्म मर्यादा के खिलाफ है, भगवान भी इसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए किसी को भी वशीकरण में अधिक देर तक बांध कर रखना घोर पाप है, जरूरी है, मजबूरी है, इसलिए पाप करना पड़ रहा है, उपाय नहीं है। तो ये पाप मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी निकली अब कैसी मजबूरी, अब तो अपना काम न क्या करो, तो अब उसको मुक्त कर दो। तो इस प्रकार से आप एक उत्तम वशीकरण कर सकते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन काम 100% होगा और चुटकियों में होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दो भाई। हाँ इतना तो बोलना है, तो जय श्री कृष्णा।